Join the classroom. Today we are going to have a discussion on new criticism and everything that we need to study before understanding new criticism as well. New criticism को समझने के लिए जो कुछ हमें पढ़ना चाहिए हम उस पर भी बात करेंगे. And like always, I will ask, am I audible? स्नेहा, एम आई ऑडिबल? सुन पा रही हो मुझे ढंग से? सही आवाज आ रही है? बिल्कुल. ओके, स्टार्ट द क्लास, बाद में करते रहेंगे. सो वी मूव टू द स्लाइड. सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी हाउ टू ज्वाइन द क्लास ऑन होम स्क्रीन. यू विल गेट दिस क्लास और ऑन. So, Suman, Sneha, okay, Sneha. So we are starting the class. So new criticism, before we start studying new criticism, there are a few things that you people need to know. Like with new criticism, we move to an era of literary theories, okay, and before new criticism, we call this analysis as criticism. So literary criticism and literary theory, these two things are, you know, kind of different. So what is the difference between these two things? First of all, we need to know that. Okay, tabhi aage jaake kuch hum jo hai means theories ko acche se padh payenge aur samajh bhi payenge. So when we talk about literary criticism, criticism is very specific. Okay, in criticism, literary critics do what do they do? They select a work, they find whether they find faults with it, whether they appreciate it. Okay, or after reading a work, they lay down some general principles of how to write a good work. So it simply means criticism mein ye tendency rehti hai ki wo हमें ये बताना चाहते हैं कि कोई लिटरेरी वर्क अच्छा है या बुरा है, और अगर किसी लिटरेरी वर्क को अच्छा बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, है ना, थिंग्स लाइक दैट. ये क्रिटिसिज्म का कंसर्न रहता है. बट व्हेन वी मूव टू लिटरेरी थियरी, लिटरेरी थियरी इज नॉट दैट मच स्पेसिफिक. लिटरेरी थियरी इज वेरी जनरल. ओके, एंड बाय जनरल व्हाट डू आई मीन? बाय जनरल आई मीन दैट लिटरेरी थियरी लेज डाउन हाउ टू रीड अ टेक्स्ट. ओके, मींस टेक्स्ट को पढ़ना कैसे चाहिए, और जैसे जैसे थ्योरी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे उनका जो इंस्ट्रक्शन है कि एक टेक्स्ट को कैसे पढ़ना चाहिए वो भी चेंज होता जाएगा, है ना. मींस न्यू क्रिटिसिज्म कुछ और बोलेगा, फॉर्मलिज्म कुछ और बोलेगा, फेमिनिज्म कुछ और बोलेगा, मार्क्सिज्म एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, है ना, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इको क्रिटिसिज्म. देयर आर हेल लॉट ऑफ लिटरेरी थियरीज. उन सब के द्वारा, उन सब में हमें ये बताया जाएगा कि हाउ टू इंटरप्रेट अ टेक्स्ट. सो वो किसी जनरल पर्टिकुलर वर्क के ऊपर फोकस नहीं करेंगी, और ना ही वो हमें ये बताएंगे कि कोई वर्क कब अच्छा होता है और कब बुरा होता है. ओके, सो बेसिकली अपन ये कह सकते हैं मोटे तौर पर कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, इट वॉज फोकस्ड ऑन क्रिटिक.
सॉरी इट वॉज फोकस ऑन द राइटर ऑथर है ना, वट हैज द ऑथर रिटन है ना, हाउ हैज ही रिटन, वेदर इट इज गुड और बैड है ना, समथिंग लाइक दैट. ऑन द अदर हैंड लिटरेरी थियरीज आर बेसिकली कंसर्न विद हाउ रीडर्स रीड और हाउ रीडर्स शुड रीड अ वर्क. सो बेसिकली दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज मोर फोकस्ड ऑन ऑथर एंड लिटरेरी थियरी इज मोर फोकस्ड ऑन द रीडर और द स्ट्रेटजीज दैट अ रीडर शुड अडॉप्ट वाइल रीडिंग अ वर्क ऑफ लिटरेचर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है और जो जो लेट ज्वाइन करेंगे या जो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. एनीवेज सो बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग न्यू क्रिटिसिज्म वी शुड ऑल्सो नो अ लिटिल बिट अबाउट द लिटररी कैनन. ओके व्हाट इज लिटररी कैनन. लिटररी कैनन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसे वर्क्स लिटरेचर के जिनको अक्लेम्ड या फेमस या अच्छे पॉपुलर क्रिटिक्स ने ये दर्जा दिया है, ये स्थान दिया है कि ये लिटरेरी ट्रेडिशन का एक हिस्सा है. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स एंड दे शुड बी रेड बाय एवरीवन और एवरी रीडर ऑफ लिटरेचर. तो मतलब लिटरेरी कैनन एक ऐसा ग्रुप है वर्क्स का जो अच्छे माने गए हैं एंड दे शुड बी और दे मस्ट बी एग्जाम्पल्स ऑफ गुड लिटरेचर है ना. उन सबको हम किस में रखते हैं, लिटरेरी कैनन में रखते हैं. ओके सो नाउ वी मूविंग टू न्यू क्रिटिसिज्म. सो जब हम न्यू क्रिटिसिज्म की बात करते हैं या फिर हम ये बात करें कि जब हम लिटरेरी थियरी की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म अलग है, लिटरेरी थियरी अलग है, तो वो मैथ्यू आर्नल्ड से हमारी शुरुआत होती है उसकी. हालांकि मैथ्यू आर्नल्ड वॉज नॉट अ लिटरेरी थियरिस्ट, ही वॉज अ लिटरेरी क्रिटिक. तो उसे शुरुआत करते हैं हम. क्यों उसे शुरुआत करते हैं? बिकॉज मैथ्यू आर्नल्ड के जो आइडियाज थे, खासकर हिज आइडियाज ऑन कल्चर, ओके, दे इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ मॉडर्न क्रिटिक्स. एंड व्हाट वाज हिज आइडिया और व्हाट वर हिज आइडियाज ऑन कल्चर, ही एक्चुअली थॉट द कल्चर टू बी अ वॉल, अ बुलवर्क व्हिच इज गोइंग टू सेव अस फ्रॉम द फिलिस्टाइन और फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक व्यूज ऑफ द सोसाइटी. जो उस समय की सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में आर्नोल्ड ये कंसिडर करता है, आर्नोल्ड ये सोचते हैं कि उस समय मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा हावी हो गया था. बिकॉज उस समय में ही वही समय है जब मिडिल क्लास का राइज हुआ था. इससे पहले मिडिल क्लास नहीं थी, या तो रॉयलिस्ट क्लास हुआ करती थी या फिर लेमैन या कॉमन पीपल हुआ करते थे. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण क्या हुआ कि एक मिडिल क्लास का जन्म हुआ, और जब मिडिल क्लास का जन्म हुआ तो फिर क्या हुआ, एक मटेरियलिज्म जो है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच. सी इट इज वेरी सिंपल कि रॉयल क्लास के पास पैसे की कमी नहीं है, सो दे डोंट थिंक मच अबाउट मनी. मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब राजा महाराजा हुआ करते थे इंग्लैंड में. एंड द लेमैन और द लेबर क्लास वो सिर्फ इस बारे में सोचते थे कि कैसे उनका घर चल जाए. सो एक्चुअली अगर हम देखा जाए हम देखें तो टेक्निकली वहां पर मटेरियलिज्म इतना पैदा नहीं हुआ था अभी. लेकिन जैसे ही मिडिल क्लास आई, जिसको पैसे की इतनी कमी नहीं है कि वो खाना पीना भी ना खा सके, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है कि वो रॉयल हो, तो वहाँ पर फिर क्या हुआ, एक तरह से मटेरियलिज्म हावी होने लगा. सो आर्नोल्ड जो है, ही वॉज अगेंस्ट दिस मटेरियलिज्म एंड ही सेज दैट द कल्चर इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव अस फ्रॉम द क्लचेज ऑफ दिस मटेरियलिज्म. ओके सो आई एम गोइंग टू रीड दिस. दिस क्रिटिक्स who were influenced by Arnold were to have a lasting effects on the ways in which many generations of students perceived the significance of literature. And see, Arnold jab ye kehta hai ki culture is very important, he is actually trying to say that literature is very important, because literature is one of the most influential parts of a culture. And who were those affected by the thoughts and ideas of Arnold? F.R. Lewis and poet T.S. Eliot. Okay, so both of them were influenced by the ideas of Arnold, hai na? And they established the notion of the existence of a literary canon of undeniably great works of literature. In literature ke jo mahan works hain, unhone ek us canon ko establish kiya. Khaskar hum Eliot ko padhenge jab hum tradition and individual talent aise ki baat karte hain, to hum baat karenge. To I.A. Richards jo tha, usne bhi kya kiya? Usne bhi टेक्सुअल एनालिसिस को जो है उस पर फोकस किया.
टेक्सुअल एनालिसिस का क्या मतलब है? टेक्सुअल एनालिसिस का मतलब है, हम जैसे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म उसकी बुक कही थी 1929 में, उसमें उसने बताया कि हमें जब हम किसी वर्क ऑफ लिटरेचर को पढ़ रहे होते हैं, किसी पोइम को पढ़ रहे होते हैं खासकर, तो हमें उसकी हिस्टोरिकल या ऑथोरियल डिटेल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसे किसने लिखा है, कौन सी एज में लिखा है, किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर लिखा है। इट डज नॉट मैटर एट ऑल, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द टेक्स्ट ऑन द पेज। ओके। और वैसे प्रैक्टिकल भी किया करते थे कि वो अपने स्टूडेंट्स को, जब वो ऑक्सफर्ड में प्रोफेसर थे ये पोइट्री के, अपने स्टूडेंट्स को मैथ्यू आर्नोल्ड क्या करते थे, टेक्स्ट दिया करते थे बिना ये बताए कि ये किस पोइट की है, इसे किसने लिखा है। एंड देन ही आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू एनालाइज द पोएम विदाउट नोइंग हु द ऑथर, हु द पोइट वॉज। उसको जो रिजल्ट्स मिले दे वर शॉकिंग एक्चुअली, बिकॉज जब स्टूडेंट्स को पोइट के बारे में कुछ नहीं पता होता तो दे एक्चुअली आर नॉट बायस्ड, बिकॉज अगर हमें मान लो हमारा फेवरेट पोइट शेक्सपियर, या मान लीजिए विलियम वर्ड्सवर्थ हमारा फेवरेट पोइट है, और हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई पोइम एनालाइज करने को मिलेगी, तो डेफिनेटली हमारा जो जजमेंट है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, वी विल बी बायस्ड। और अगर कोई हमें पसंद नहीं है, मान लीजिए किसी को जॉन हॉपकिंस पसंद नहीं है ना, तो हॉपकिंस की कोई पोइम पढ़ेगा तो चाहे वो कितनी भी अच्छी पोइम होगी वो उसको अच्छी नहीं लगेगी। तो इट सिंपली मीन्स कि द ओनली इंटेंशन आई रिचर्ड्स हैड दैट, सॉरी आई यूज द वर्ड मैथ्यू आर्नोल्ड अर्लियर, इट वॉज आई रिचर्ड्स। ओके। सो आई रिचर्ड्स जो है उन्होंने ये काम किया कि अपने अपने स्टूडेंट्स को पोइम्स दी बिना पोइट का नाम बताए, एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। उसको पता लगा कि किस तरह से पोइम को पढ़ा जाना चाहिए, और उसी के बाद ही ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ही कहीं ना कहीं जो है वो पीछे है किसके, न्यू क्रिटिसिज्म के, बिकॉज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो इंग्लैंड में जो है ओरिजिनेट हुआ, और जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो अमेरिकन है। सो ये कुछ बेसिक सा इन्फो था। अब अपन डायरेक्टली बात करना शुरू करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड पर। मैथ्यू आर्नोल्ड हु वाज अ प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड, है ना, वाज ऑफ द ओपिनियन दैट लिटरेचर अपार्ट फ्रॉम इट्स प्लीजिंग एस्थेटिक क्वालिटीज हैड एन एजुकेशनल रोल इन पीपल्स लाइव्स। आर्नोल्ड का ये विचार था कि अपार्ट फ्रॉम द एस्थेटिक प्लेजर दैट लिटरेरी वर्क्स गिव अस, जो प्लेजर हमें मिलती है उसके अलावा एक और रोल भी है, वो क्या रोल है, एजुकेशनल रोल। व्हाई? बिकॉज ही थॉट दैट द द सर्वाइवल ऑफ इंग्लिश रेस वॉज इन डेंजर, है ना। एंड वाई वॉज इन डेंजर? बिकॉज ऑफ द फिलिस्टीन वैल्यूज। मैंने बताया अभी आपको, फिलिस्टीन वैल्यूज मतलब मिडिल क्लास जो है वो जब पैसे के पीछे भाग रही थी, मटेरियलिस्टिक वेल्थ के पीछे भाग रही थी, तो दिस इज व्हाट वी कॉल फिलिस्टीन वैल्यू। उस डेंजर से बाहर निकाल सकती है पोएट्री हमें, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। नाउ फर्दर ही सेज दैट बिकॉज ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके। आपको ये ध्यान होगा कि 1859 में, 1859 में चार्ल्स डार्विन की बुक आई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें ही प्रूव्ड दैट दिस ह्यूमन रेस इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ गॉड और समथिंग लाइक दैट। इट इज यू नो अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, एक साइंस है ये जिससे हम लोग पैदा हुए हैं। तो उसने जब ये प्रूव कर दिया, तो उसके बाद जो विक्टोरियन सोसाइटी थी, विक्टोरियन सोसाइटी का जो फेथ था गॉड के अंदर, वो डगमगाने लगा। ओके। एंड जब वो फेथ डगमगाने लगा, तो मैथ्यू आर्नोल्ड जैसे कुछ पोइट, टेनिसन जैसे कुछ पोइट जो हैं वो आगे आए, और उन्होंने कहा कि अगर साइंस को आप मानते हो और आपका फेथ जो है वो गॉड में लड़खड़ा रहा है, डगमगा रहा है, तो क्या पोइट्री जो है ना उस फेथ का स्थान ले सकती है, एंड पोइट्री कैन मेक अस फील गुड अगेन, बेटर अगेन। जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि ही विश दैट द पोइट्री वुड टेक इट्स प्लेस इन मैंस हार्ट्स। पोएट्री वुड इंटर, पोएट्री का काम क्या होगा अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड, पोएट्री क्या करेगी? पोएट्री वुड इंटरप्रेट लाइफ फॉर अस एंड कंसोल अस। कंसोल अस जो जिस शॉक में हम हैं, जो डिलेमा में हम हैं, एक एक टर्म भी आती है, नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब जब नेट डिस्क्रिप्टिव था तब मुझे याद है जब मैंने 2011 में एग्जाम दिया था जो मेरा क्लियर हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि विक्टोरियन डायलेमा, इसके ऊपर 30 वर्ड्स या 50 वर्ड्स के क्वेश्चन लिखने होते थे, हमें आंसर लिखने होते थे। तो विक्टोरियन डिलेमा क्या था कि लोग जो हैं भगवान में इतना लंबे समय से विश्वास कर रहे थे कि वो साइंस डार्विन के कहने पर तुरंत उसको छोड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन साइंस यानी कि डार्विन ने इतना ज़्यादा
कन्विंसिंगली प्रूव कर दिया था कि गॉड वर्ड कुछ नहीं होता, तो वो इस बात को भी अस्वीकार कर दें, इस बात को भी रिजेक्ट कर दें, इट वॉज हाईली अनलाइकली। तो वो डिलेमा में थे कि गॉड को माने या साइंस को माने। ओके, सो उस डिलेमा से हमें कंसोल करेगी, हमारे लिए लाइफ को इंटरप्रेट करेगी, है ना, पोइट्री, जैसा कि इसने हमेशा किया है, है ना। और आर्नल्ड जो है उसने कल्चर की डेफिनेशन दी थी, आप ये याद रखिएगा हमेशा, व्हाट इज कल्चर, कल्चर इज द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड। ये कल्चर एंड एनार्की उसकी बुक थी, 1869 में आई थी, उस बुक में इसने ये डेफिनेशन दी है कल्चर की, द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो जो सबसे अच्छा जो आज तक कहा गया है, है ना, और सोचा गया है ना, वो कल्चर है। तो कल्चर को उसने ऐसे नहीं जोड़ा कि एक इंग्लिश कल्चर है, एक 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 इंडियन कल्चर है, ये नहीं, कल्चर का मतलब उसने क्या लगाया था, थॉट से लगाया गया था, और जो बातें कहेंगी उससे। तो दिस कल्चर वॉज टू बी अ बुलवर्क, बुलवर्क मैंने वॉल, एक तरह से एक डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द कैओटिक लाइफ ऑफ द वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास मैंने बताया आपको मिडिल क्लास, एंड द इल्यूजंस बाय विच मिडिल क्लास प्रोटेस्टेंट्स लिव्ड। सारा खेल जो है अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड, सारी प्रॉब्लम जो है अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड, इट लाइज इन द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। ओके, जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, बुर्जुआ कहा था, है ना। सो उन लोगों के जो इल्यूजंस हैं उनको दूर कर सकती है, और कल्चर के द्वारा ही इट इज पॉसिबल टू बी फ्री फ्रॉम फैनेटिसिज्म एंड मूव टुवर्ड्स एंड एक्सिस्टेंस ऑफ स्वीटनेस एंड लाइट। सी, दिस इज ट्रू इवन इन टुडेज वर्क, टुडेज वर्ल्ड, सॉरी। आज भी मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूँ जब, तो मैं उनको बोलता हूँ कि लिटरेचर जो है ना, लिटरेचर पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी भी एक फैनेटिक नहीं हो सकता, कभी भी एक कट्टर टाइप का इंसान नहीं हो सकता। और जो सिचुएशंस आज हैं, मैं इंडिया की बात नहीं करूँगा, पूरे वर्ल्ड में कट्टरता जैसे आ रही है, उस कट्टरता को, उस फैनेटिसिज्म को दूर करने के लिए कल्चर जो है, और जब जब भी मैं कल्चर वर्ड बोलूँगा ना आर्नोल्ड के रेफरेंस में, तो आप समझ जाइएगा कि मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, I'm talking about literature. So culture, what does culture do apart from these things that I've told you? Culture encourages the growth and predominance of our humanity proper as distinguished from our animality. Means culture is the only thing that makes us different from animals. Okay. Now these were some of the views. हालांकि जब हम क्रिटिसिज्म पढ़ रहे होंगे तो हम आर्नोल्ड को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, उसका टेस्ट और मेथड पढ़ेंगे एंड एवरीथिंग दैट हैज ही हैज सेड अबाउट लिटरेचर, बट हम फिलहाल जो है आर्नोल्ड को वो न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें उसको उतना ही पढ़ने की जरूरत है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम विद आर्नोल्ड, आर्नोल्ड्स आइडियाज फॉर मोर रिसेंट थियोरिस्ट हैज बीन दैट ही थॉट द वैल्यूज ऑफ कल्चर विच ही एस्पाउज्ड वर इटर्नली ट्रू फॉर एवरी एज। नाउ व्हाट डज दैट मीन, आर्नोल्ड जो है उसने कल्चर की डेफिनेशन दी है कि द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड। इसका मतलब हुआ कि चीजें जो हैं वो बदलने वाली नहीं है, कल्चर की जो डेफिनेशन है वो हर एज में बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी जैसी किस टाइम थी, जैसी आर्नोल्ड के टाइम पे थी। जबकि थियोरिस्ट ये मानते हैं कि कल्चर जो है वो समय समय के अकॉर्डिंग टू द एरा चेंज होगी, ऐसा क्रिटिक्स सोचते हैं। और जब आप, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप लिटरेरी थ्योरी पढ़ रहे होंगे ना, तब आपको कुछ समय के लिए अपना दिमाग जो है ना वो शट डाउन मोड पर रखना पड़ेगा, बिकॉज हम यहाँ पर किसी के व्यूज पढ़ रहे हैं। ओके, और जब हम किसी के व्यूज पढ़ रहे हैं तो हमें उनको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे उन्होंने कहा है। ओके, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और आपने सुना होगा कि लिटरेरी थ्योरी ज़्यादातर लोगों को मुश्किल लगती है, वो मुश्किल क्यों लगती है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम अपने व्यूज को शट डाउन मोड पर नहीं रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हम सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे, दो बातें होती हैं, या तो समझ नहीं आती, समझ आती है तो हम बोलते हैं ऐसे कैसे, पर ऐसे कैसे आप छोड़िए, जो भी ये बोल रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए बस। तो हर समय पे कल्चर एक ही होगी, और जितने भी लोग हैं, ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स वर कैपेबल ऑफ एस्पायरिंग टू द सेम आइडियल्स, मींस चाहे एज वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड हो, चाहे वो होमर का पीरियड हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट का पीरियड हो, चाहे वो 2022 हो, आइडियल्स सेम ही रहेंगे। और आप जो लोग सुन रहे हैं मुझे अभी, वो बहुत इजीली गैस कर पा रहे होंगे कि ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही, बिकॉज आज से 100 साल पहले ले लो आप, जो आइडियल्स रहे होंगे सोसाइटी के, वो आज नहीं है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कल्चर जो है वो ट्रांसेंड करती है हिस्ट्री को, मतलब हिस्ट्री का
एरा का, एज का, टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता कल्चर को. ये बात आर्नल्ड ने बोली है एंड दिस इज समथिंग रियली प्रॉब्लमेटिक फॉर द रिसेंट क्रिटिक्स. तो आज के क्रिटिक है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रही बात. नाउ ये बात भी रिसेंट क्रिटिक्स को हजम नहीं होती है कि जो पोइट्स हैं वो उनके पास एक एक्सेस है एक ऐसी विजडम की जो इटरनली ट्रू है. मीन्स कोई भी पोइट, किसी भी एरा में लिखने वाला पोइट, अगर वो अच्छा पोइट है तो वो हमेशा ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस करेगा जो हर एज के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा. अब ये बात हमें लगे कि हाँ यार बात तो सही है ये, बिकॉज शेक्सपियर के प्लेज आज भी हम पढ़ रहे हैं, आज भी दे आर रेलिवेंट, चौसर के कुछ पोइम्स आज भी रेलिवेंट हैं. बट व्हेन वी आर गोइंग टू गो डीपर इनटू द थियरीज वी विल फाइंड आउट दैट हर कल्चर में कोई भी ऐसा एक वर्क नहीं हो सकता जो टाइम को ट्रांसेंड करे. हमने लोंजेनिस को पढ़ा है, वो कहता है कि भाई अच्छा वर्क जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है रीडर को. इट डजेंट मैटर कौन सी एज का वर्क है. आप चाहे तो 5 दिन पुराना वर्क पढ़िए, आप चाहे तो 500 साल पुराना वर्क पढ़िए, इफ इट इज अ गुड वर्क इट विल ट्रांसपोर्ट यू. बट आर्नल्ड की ये थियरी रिसेंट क्रिटिक्स को हजम नहीं होती है. वो कहते हैं कि हर समय में, हर देश में, हर काल में, एवरी सिचुएशन जो है इट डिमांड्स ऑफ समथिंग डिफरेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स दैट आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ अ पॉइंट. ओके, लाइक पोलिटिकल सीनेरियो. इंडिया की बात कर लो आप, आज हम लोग अगर एंटी गवर्नमेंट कुछ लिखना चाहें तो इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू राइट दैट. ओके, बिल्कुल वैसा ही कंडीशन आ गई है जो राजा महाराजा के टाइम पे थी. बीच में कुछ टाइम ऐसा रहा होगा जब लिखना इतना मुश्किल नहीं रहा होगा. सो एक बात और सुनिएगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या विरोध नहीं करता हूँ उसका, ना. तो इसलिए अगर आप में से कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले हों और विरोध करने वाले हों तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि वी आर स्टडिंग लिटरेरी थियरी. और लिटरेरी थियरी जो है ना बच्चों, उसमें पॉलिटिकली बायस्ड लोग भी आने वाले हैं. मार्क्सिज्म आने वाला है, न्यू हिस्टोरिसिज्म आने वाला है ना. तो हम लोगों को थोड़ी बहुत बात करनी पड़ेगी. ओके, सो आई होप यू विल नॉट माइंड कि मैं किसी एक विशेष एरा के बारे में कुछ बोलूँगा तो जब जब भी जरूरत पड़ेगी. और अगर हम बात करें कुछ पुरानी गवर्नमेंट्स की, तो पुरानी गवर्नमेंट्स में भी सलमान रुश्दी का एक वर्क आया था जिसमें आपको ध्यान होगा जो सबसे फेमस वर्क्स में से एक माना जाता है उसका, मिडनाइट चिल्ड्रन. तो मिडनाइट चिल्ड्रन में भी इंदिरा गांधी के ऊपर कुछ लिखा गया था, तो उसमें भी उन लाइंस को क्या करना पड़ा था, रिमूव करना पड़ा था सलमान रुश्दी को. तो ऐसा नहीं है कि आज की गवर्नमेंट ही खराब है, सब जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है. नाउ आर्नल्ड का कंट्रीब्यूशन देख लिया हमने, वो कल्चर के बारे में बात करता है. कल्चर अच्छी है, लिटरेचर अच्छा है, वो हमारे हमारे जो एनिमलिटी है उसको ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है. कल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. जो फिलिस्टीन वैल्यूज़ हैं उनसे निकलना है, जो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ हैं उनसे निकलना है, तो हमें लिटरेचर और कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा. हमें एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देना पड़ेगा कल्चर और लिटरेचर को. ये बातें कुछ हैं जो किसने बोली हैं, आर्नल्ड ने बोली हैं. इन बातों को दिमाग में रखना. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टीएस एलियट. नाउ टीएस एलियट एज वी ऑल नो वाज अ ग्रेट पोइट एंड क्रिटिक बोथ. ओके, एंड ही वाज आल्सो अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट. सो पोइट की बात करें तो हमने वेस्टलैंड पढ़ा है उसका, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टीएस एलियट एज अ क्रिटिक. नाउ जब आर्नल्ड ये बोलता है कि कल्चर यानी कि लिटरेचर एजलेस है, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि लिटरेचर के ऐसे वर्क्स हैं जो इतने महान हैं कि उनको किसी एज का फर्क नहीं पड़ता. और जब मैं बिल्कुल इस लेक्चर की शुरुआत कर रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि लिटरेरी कैनन क्या होती है. लिटरेरी कैनन यही तो होती है कि कोई ऐसे वर्क्स जो जिनको एज का फर्क नहीं पड़ता, जो एजलेस हैं. सो उस काम को आर्नल्ड के जो आर्नल्ड ने शुरू किया था, T.S. Eliot, took that challenge and began to reassess the literary culture of England, है ना? And Terry Eagleton, who is a Marxist critic, he says that T.S. Eliot set about conducting a wholesale salvage and demolition job on its literary tradition. Now, Arnold और Eliot में एक समानता तो मैंने बता दी आपको, एक सिमिलैरिटी बता दी मैंने कि दोनों ही लिटरेरी कैनन की बात करते हैं. बट एक बड़ा डिफरेंस है दोनों में, वो आपको याद रखना है. वो बड़ा डिफरेंस ये है कि आर्नल्ड जो है उसका लिटरेरी कैनन या कल्चर को चुनने का जो तरीका है, खासकर वो जब वो टच स्टोन मेथड की बात करता है,
कि भाई कोई भी वर्क तब महान है जब आप किसी एक महान वर्क के साथ रख के उसको पढ़ो एंड यू फाइंड बोथ टू बी इक्वल। वो तरीका एलियट को पसंद नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, एलियट जो है उसका कैनन को चुनने का जो वे है वो किस पर बेस्ड है? उसकी एक बहुत ही फेमस बुक है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। उसमें वो कहता है कि एक एक पोइट जो है ना उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती एक्चुअली। जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था ना, वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि यू नो एक लिटरेरी वर्क जो है इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स पर्सनैलिटी। कॉन्ट्रेरली एलियट सेज दैट अ पोइट डज नॉट हैव एनी पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस, ही ओनली हैज अ पर्टिकुलर मीडियम। ओके, मीन्स इफ अ पोइट इज राइटिंग समथिंग इट सिंपली मीन्स दैट ही वॉन्ट्स टू कन्वे समथिंग एंड ही हैज अ मीडियम टू कन्वे दैट पर्टिकुलर थिंग। और उसकी खुद की पर्सनैलिटी जो है वो पोइम में कहीं भी नहीं आती है। इसको और पढ़ने वाले हैं आगे जाके, हम अभी पढ़ने वाले हैं इसी नेक्स्ट स्लाइड में। तो वो कहते हैं कि जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था उसका उल्टा बिल्कुल, कि पोइट्री जो है वो सेल्फ को रिप्रेजेंट नहीं करती है। पोइट्री इज अ मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द सेल्फ, है ना। कैसे आप सेल्फ से दूर जा सकते हैं, कैसे कम से कम पोइट जो है वो पोएम के अंदर झलके, कैसे कम से कम हमें पोइट के बारे में जानने की जरूरत पड़े। अगर कोई पोइट ये कर सकता है तो वो पोइट अच्छा है, वो पोइट्री अच्छी है, वो लिटरेचर अच्छा है, और उसको हम लिटरेरी कैनन में इंक्लूड कर सकते हैं, अच्छे वर्क्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है कि पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस, इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। बहुत ही फेमस कोटेशन है टी एस एलियट की, आप इसको जरूर याद रखिएगा, मैंने तो रट रखी है ये ना, कि पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बिकॉज वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री इज अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस। एलियट कहता है कि इट इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। और अगर आपके दिमाग में बात आ रही हो, किसी के दिमाग में, मयूर जस्ट आस्क मी, लेट मी आस्क वन थिंग, मयूर यू आर देयर एंड यू आर एबल टू लिसन टू मी। मयूर आप वही मयूर हो ना जो जो अपन जयपुर में मिल चुके हैं एंड वी आर इन द ग्रुप एज वेल एंड जो रील्स बनाते हैं, यू कैन राइट डाउन। और दूसरे मयूर हैं, आई थिंक मयूर इज नॉट एबल टू फाइंड आउट द चैट ऑप्शन। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बाद में पूछ लूंगा आपसे। ओके, यस सर, गॉट इट। सो मयूर जो है हम मिल चुके हैं एंड वी मूव बैक टू द, सो ये जो पोएट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि इमोशन का टर्निंग लूज है और इसमें इमोशन दिखने चाहिए। तो इमोशन नहीं दिखे ऐसा कैसे पॉसिबल है? टी एस एलियट उसका भी इलाज बताता है। टीएस एलियट जो है उसका एक ऐसे है और उस ऐसे का नाम है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ओके, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, उसमें बताता है कि कैसे इमोशंस से बचा जा सकता है। वो अपन बात करेंगे टीएस एलियट जब पढ़ेंगे। तो उसमें एक टर्म आती है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, याद रखिएगा इस टर्म को, बहुत ही काम की टर्म है। सो आगे चलते हैं। फिलहाल वो कहता है कि पोइट्स पर्सनल एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस वर सेकेंडरी टू द पोइट्री इटसेल्फ, मींस पोइट्री इज द प्राइमरी थिंग, उसके पर्सनल और जो सोशल सर्कमस्टेंसेस है दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द पोइट्री इज, है ना। और एक पोइट को बहुत ज्यादा प्रोफाउंड इमोशंस प्रकट नहीं करने चाहिए, एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए, बट सीक वॉट ही कॉल्ड इन द एसे हैमलेट एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात करता है। क्या होता है ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? उसने खुद ने डेफिनेशन दी है पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा। वो कहता है कि इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स विच शैल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन। थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी हैमलेट के बारे में बच्चों। देखो ऐसा है कि लिटरेरी थ्योरी में थोड़ा टाइम लगेगा और आपको यू हैव टू बेयर विद मी। अगर मैं ऐसे समझा दूं आपको तो आपको पलटनी पड़ेगी। ये तो बहुत इजी चीजें पढ़ रहे हैं हम, जब हम डीकंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी आपको, अगर आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी तो पहले वाली। सो हैमलेट की बात करें तो हैमलेट में हम पढ़ते हैं कि हैमलेट के फादर को, हैमलेट की मदर की हेल्प से हैमलेट के चाचा ने मार दिया है, हैमलेट सीनियर, है ना। एंड
विद द हेल्प ऑफ द गोस्ट ऑफ हैमलेट द सीनियर हैमलेट जूनियर जो हमारा प्रोटागनिस्ट है ही कम्स टू नो दैट हु हैज किल्ड हिज फादर. ओके, उसको पता लग गया कि उसके चाचा ने उसके पापा को मारा है. उसकी मदर ने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके चाचा का सपोर्ट किया है. नाउ सी हैमलेट इज द प्रिंस. हैमलेट हैज ऑल द पावर एंड रिसोर्सेज टू अवेंज अपॉन हिज फादर या नहीं. बट उसके बावजूद भी हैमलेट जो है वो प्ले के लास्ट तक आते आते भी वो बदला जो है उसको लेना चाहिए वो नहीं ले रहा. ओके, अब वो बदला जब नहीं ले रहा ना, तो आपको बताऊं मैं टी एस एलियट ने हैमलेट के बारे में क्या कहा है. हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर. ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ नेट में. हु हैज सेड दैट हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर. हैमलेट जो है, हैमलेट प्ले जिसको हम बहुत फेमस मानते हैं, उसको एलियट ने क्या माना है, आर्टिस्टिक फेलियर माना है. व्हाई? बिकॉज द ऑडियंस नेवर कम्स टू नो व्हाई इज हैमलेट डिलेइंग द रिवेंज. हैमलेट के मन में क्या चल रहा है, हैमलेट के इमोशंस क्या हैं, वो कभी भी ऑडियंस को पता नहीं लगते हैं कि हैमलेट क्यों इस बदले को लटका रहा है, धीरे धीरे आगे 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 टालता जा रहा है. और वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि शेक्सपियर जो है ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर प्ले हैमलेट टू फाइंड एनी ऑब्जेक्ट और सिचुएशन और चेन ऑफ इवेंट्स जो हमें बताएं. उदाहरण के लिए हम जब पढ़ते हैं किंग लियर के अंदर का जो गुस्सा है वो हमें बादलों का चमकना, तूफान का आना, इन सब चीजों से बताया गया है. और हिंदी फिल्में देख लो, चलो मान लीजिए आपने किंग लियर नहीं पढ़ा, हिंदी फिल्मों में जब बहुत ही किसी को गुस्सा आ रहा होता है, पुरानी फिल्में खासकर देखना, तो क्या होता है, बिजली चमकने लगती है और एंड तूफान आने लगता है एंड कभी कभार तो ऐसा लगता है धरती फट रही है एंड समथिंग लाइक दैट. दीज थिंग्स आर व्हाट, दीज थिंग्स आर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. मतलब आदमी बोलकर अपना इमोशन प्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि जो उसके आसपास के सिचुएशंस हैं, उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर ऐसी घटनाएं, चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो पर्टिकुलर इमोशंस को बहुत ही सक्सेसफुली कन्वे करती हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलते हैं. आई होप इससे ज्यादा इजीली मैं आपको नहीं बता सकता था कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है. और इन दोनों वर्ड्स को देखें तो ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ जो सब्जेक्टिव ना हो, जो मतलब जो कैरेक्टर का खुद का ना हो, और कोरिलेटिव का मतलब है जो उसके इमोशंस को रिलेट कर दे किससे, जो घटनाएं हो रही हैं उनसे. ओके, तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के माध्यम से आप इमोशंस को रिप्रेजेंट करने से डायरेक्टली बच सकते हैं. और जैसा कि आगे लिखा भी हुआ है, इमोशंस शुड बी कन्वेड इनडायरेक्टली थ्रू द अवेयरनेस ऑफ एन आयरनिक परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ पैराडॉक्सेस द रीडर शुड बी चैलेंज्ड एंड मेड टू थिंक. एलियट ने एक बात और भी कही थी कि इफ अ पोएम और ड्रामा व्हेन इट इज वॉच्ड और रेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ अ रीडर और ऑडियंस इज एबल टू अंडरस्टैंड इट फॉर द फर्स्ट टाइम ना, इट इज नॉट अ गुड ड्रामा और पोएम. पहली बार में जो समझ में आ जाए ना, वो अच्छा ड्रामा अच्छी पोएम नहीं है. और इस वेस्टलैंड से अच्छा एग्जांपल और क्या होगा बच्चों इस बात का, कि पहली बार में जो समझ आ जाए वो अच्छी पोएम नहीं है. तो वेस्टलैंड को पढ़ते हुए हमें लगता है 4-5-7 साल हो गए हैं, और मुझे तो 2008-09 से पढ़ा रहा हूँ मैं, और 13-14 साल होने वाले हैं, और मुझे लगता है ज़्यादा नहीं तो 20-25 बार तो मैंने पोएम पढ़ाई होगी. लेकिन एवरी टाइम आई रीड दिस पोएम आई फाइंड समथिंग न्यू. ओके, सो इट सिंपली मींस कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज करते हुए एक पोएट को अपनी पर्सनैलिटी से बचना चाहिए और ट्रेडिशन जो है उसको फॉलो करना चाहिए. लेकिन उस ट्रेडिशन में इंडिविजुअल टैलेंट, मतलब एक पोएट जो है, ही सेज, टी एस एलियट फर्दर सेज दैट अ बैड पोएट क्रिएट्स एंड अ गुड पोएट स्टील्स. एक बुरा पोएट जो है ना वो कुछ बनाने की कोशिश करता है, और एक अच्छा पॉइंट जो है ना वो स्टील करता है, चुराता है वो. मींस बिकॉज वी हैव नथिंग न्यू टू से, एवरीथिंग वर्थ सेइंग हैज ऑलरेडी बीन सेड. तो हम नया क्या कहेंगे, तो द ओनली थिंग वी कैन डू न्यू इज द वे वी प्रेजेंट समथिंग. है ना, फिल्मों को देख लो, सब फिल्मों की कहानी लगभग हम पढ़ चुके हैं किसी ना किसी रूप में, बट द वे दोज फिल्म्स और मूवीज और ड्रामा और वर्क ऑफ लिटरेचर इज प्रेजेंटेड शुड बी न्यू. ओके, ये ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट की बात जो है एलियट ने करी है. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये सब बातें कैसे न्यू क्रिटिसिज्म से या कैसे कैनन से जुड़ी हुई हैं. तो कैनन से ये ऐसे जुड़ी हुई हैं कि ऐसे वर्क्स
जो इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, इमोशंस को सामने नहीं आने देते, पर्सनैलिटी को सामने नहीं आने देते, जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को यूज करते हैं, जिनमें ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट का एक बैलेंस्ड मिक्सर होता है, वो सारे वर्क्स जो हैं दे कैन बी यू नो कंसीडर्ड इन द लिटरेरी कैनन। बट ये लिटरेरी कैनन जो है टीएस एलियट की, वो बहुत लिमिटेड थी, है ना। लिमिटेड क्यों थी? क्योंकि ऐसा करने वाले पोएट्स बहुत कम थे। आपको एक और बता दूं, टीएस एलियट का थर्ड ऐसे एक, दो तो अपने देख लिए, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, सेकंड वन इज हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, एंड हिज थर्ड ऐसे इज मेटाफिजिकल पोएट्स। नाउ मेटाफिजिकल पोएट्स में एलियट जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो करता है कि डन के पहले के पोएट्स और डन के बाद के पोएट्स सबको टीएस एलियट जो है वो एक तरह से अच्छा पोएट नहीं मानता। वो कहता है कि पोएट्री आफ्टर एंड बिफोर जॉन डन सफर्ड अ काइंड ऑफ लैक, एंड दिस लैक और दिस प्रॉब्लम वॉज वॉट दैट देयर वॉज अ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। टर्म है याद रखना, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी विच वॉज फाउंड इन पोएट्री बिफोर एंड आफ्टर डन। डन की पोएट्री में डिसोसिएशन नहीं था, एसोसिएशन था, किसका? सेंसिबिलिटी का। और सेंसिबिलिटी के एसोसिएशन का मतलब बच्चों सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि इमोशंस और आइडियाज जो हैं उन दोनों का एक बैलेंस्ड मिक्सचर। आप रोमांटिक एज में आ जाओ, आपको इमोशंस मिलेंगे। विक्टोरियन एज में आ जाओ, आपको इंटेलेक्चुअल बातें मिलेंगी, रीजन मिलेगा। आप उससे पहले एलिजाबेथन एज में चले जाओ, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशंस मिलेंगे। बट डन की पोएट्री में हमें एक एक ही पोएम में इमोशंस और रीजन का तड़का मिलता है। आप देखिए, वो बंदा डन जो है वो एक फ्ली, जो जो एक एक तरह से कीड़ा मान लीजिए आप, उसको मारने को क्या बोल रहे हैं, 3 मर्डर्स मान रहे हैं, है ना। वो कंपास का एग्जांपल दे रहा है हमें कि कैसे लव जो है वो मैथमेटिकल टूल्स ले रहा है, वो कि लव जो है उसका और उसकी बिलवर्ड का कैसा है, कंपास जैसा है, है ना, हैं साथ ही जुड़े हुए हैं बट स्टिल दे आर फार अवे, है ना। एक जो उसकी जो बिलवर्ड है वो शार्पर वाला पॉइंट है, और वो जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट है जहां पर पेंसिल डाली जाती है ना, कंपास में प्रकार बोलते हैं इसको। तो वो उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है लेकिन उसको पा नहीं सकता। सी, दिस इज व्हाट टीएस एलियट कॉल्स मिक्सिंग इंटेलेक्ट एंड इमोशंस। सो वो कह रहा है कि टीएस एलियट जो है उसको ये लगता है कि भाई बहुत कम पोएट्री ऐसी हुई है जो अच्छी हुई है पोएट्री। तो टीएस एलियट की लिटरेरी कैनन में बहुत कम पोएम्स आती हैं। नाउ व्हाट इज द टाइम बाय द वे, इट्स 9:47। सो पुनीत जोनू, हाय जोनू, जोनू इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जोनू, राज, सुमन, मयूर, स्नेहा। सो अभी 40 मिनट्स की क्लासेस तक मैं सीमित रख रहा हूँ अपने आप को, एंड दोज हु जॉइंड लेट उनको मैं बता दूं कि वो इस क्लास को 5-6 घंटे बाद ये रिकॉर्ड होकर सेव हो जाएगी आपके कोर्स में, आप इसको देख सकते हो, ओके। एंड जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया है वो भी अगर चाहें तो इसको दोबारा से देख सकते हैं। कल हम दोबारा 9:00 मिलेंगे, कम से कम आप जो 6-7 लोग हो वो तो 9:00 यानी कि 9:05 मैक्स तक जुड़ जाया करिए। धीरे धीरे लोगों को लगेगा तो जुड़ेंगे, वरना रिकॉर्डेड क्लासेस को तो 70-80 लोग, 90 लोग तक भी देख रहे हैं, बट लाइव क्लास में ज़्यादा बच्चे हों तो ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, आई होप यू एंजॉयड टुडे इज़ वेरी शॉर्ट बट यू नो इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव क्लास। आई विल सी यू टुमारो एंड थैंक यू वेरी मच।